पाकिस्तानियों के लिए वीजाज बैन किए जा रहे हैं, जबकि उसके बरक्स अगर हम बात करें तो 57 या 59 कंट्रीज ने पहले भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री दी। अब थाईलैंड भी इंक्लूड हो गया उसमें, उनको वीजा की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंडियन पासपोर्ट की जरूरत है, उसको देखकर उनकी एंट्री होगी। और हमारे लिए वीजाज बंद क्यों किए जा रहे हैं? हमारे लिए तो पहले भी पाकिस्तान जिस मुल्क में जाते थे हमारे बंदे, जब चेकिंग करते हैं जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट आता है साइड पे खड़ा कर देते हैं, अभी तू साइड से खुलवा, तेनू बाद चेक करांगे। खुद जन्म नहीं गया हूँ, पासपोर्ट यूं उठा के भेजते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं हमारा पासपोर्ट से, हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या, हम बेईमान है? इंडिया को नहीं, वो समझते वो कहते हमारा ये मुखलस है। सऊदीया ने कहा है कि आप लोगों की भिखारी है हमारे मुल्क में, इनको लेके जाओ वापस। वो कहते हैं लड़कियाँ छेड़ते हैं, वो कहते हैं ड्रग्स बेचते हैं, क्या करें अब हम? यहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है और आम आदमी को अपना पेट पालने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हेलो गाइज, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। भारत का जो पासपोर्ट है उसको देखने के बाद में इज्जत मिलती है, लोग जो है सम्मान करते हैं भारत का, लेकिन जब पाकिस्तान का पासपोर्ट देखते हैं तो उसको उठाकर फेंक दिया जाता है या फिर इनको सफाई कर्मी में लगा दिया जाता है, ये खुद पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो है निमरा अहमद का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। क्यों के लिए वीजाज बैन किए जा रहे हैं, जबकि उसके बरक्स अगर हम बात करें तो 57 या 59 कंट्रीज ने पहले भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री दी। अब थाईलैंड भी इंक्लूड हो गया उसमें, उनको वीजा की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंडियन पासपोर्ट की जरूरत है, उसको देखकर उनकी एंट्री होगी। और हमारे लिए वीजाज बंद क्यों किए जा रहे हैं? हमारे लिए तो पहले भी पाकिस्तान जिस मुल्क में जाते थे हमारे बंदे, जब चेकिंग करते हैं जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट आता है साइड पे खड़ा कर देते हैं, चले अभी तू साइड से खुलवा, तेनू बाद चेक करांगे। इंडिया के लिए क्यों वीजा फ्री एंट्री है? बस इंडिया वाला वो है कि वो अपने ना वो अदाकारी दिखा के, वो उसका जो मोदी है वो आपको पता ही कि वो कौन सी अदाकारी, बस वो उनको खुश रखता है, वो बस खुश रखता है, पूरा एक्सप्लेन तो करें। हाँ जी, बस वो है कि वो उनको बस वो अब देखो ना, वो जो जो वहाँ के चार पांच मुल्क छह मुल्क मिल के जिसना सी पैक बना ना, वो भी अपना एक सी पैक बनाना चाहते हैं इसराइल के मिडल ईस्ट कॉरिडोर। हाँ जी बिल्कुल, वो वहाँ पर जो उन्होंने ये इंडिया से वो चलेगी ट्रेन, ट्रेन में बैठ के वहाँ पर चले जाएंगे, वहाँ पर अपना बिजनेस का सामान सारा जो उन्होंने करना। ये तरक्की है, ये तरक्की है। हाँ तो ये इस तरह ही हमारा भी सी पैक ये काफी देर पहले चल जाता, लेकिन सी पैक की वजह से भी हमसे किसी ने रिलेशनशिप अच्छे नहीं की है, बल्कि चाइना से भी खराब हो गई थी। वो यही है ना कि किस तरह ये मुल्क तरक्की ना कर दिया, उनको ये किनको है, किनको ये दूसरे ममालिक को किस तरह ये डेवलप ना हो जाए। हमारा हमारी इकोनॉमी 50वें नंबर पे भी नहीं आती है, तो हम कैसे किसी के लिए कंपटीशन है, मुझे बताएं। कंपटीशन तो जापान है, कंपटीशन तो जर्मनी है, कंपटीशन तो भारत है, कंपटीशन तो चाइना है। वीजा की रिस्ट्रिक्शन क्यों लग रही है, लोग हम पर वीजा बैन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पर दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं, हमारे लोगों पे, बच्चों पे हमारे। ये नहीं खत्म होगा, कुछ नहीं होगा, करे कोई भरे कोई। अच्छा। समझो, ये जब तक हमारे मुल्क में ये चीज़ ना जाएगी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। मैं कहता हूँ मैं इसके कपड़े खींच लूँ, वो कहते हैं मैं इसके खींच लूँ, और मुल्क का सोचो जिसके लिए पाकिस्तान बनाया कैसे, उन्होंने ये नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। कैसे ने बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह पे, तो आप लोग अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, वो कहते हैं इमरान खान आए, वो कहते हैं नवाज शरीफ ना आए, और भाई मुल्क का सोचो जिसके लिए हमारी पैदावार है, हमें पता है कि पता है मरी पुछाने का हम पाकिस्तानी हैं, आप ये इधर नहीं जाते, मैं अपनी सीट पर जा रहा हूँ, वो कहता है मैं अपनी, और यार खुदाया मुल्क की जरूर देखो। पाकिस्तानियों को बाहर के ममालक में किस नज़र से देखते हैं? वो ऐसे देखते हैं जो बुराई है। अच्छा। ये बुराई आ गई है, सऊदीया भी नहीं हमें अच्छा समझता भाई। खुद जन्म नहीं गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं, इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं हमारा पासपोर्ट से, हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या, हम बेईमान है? इंडिया को नहीं, वो समझते वो कहते हमारा ये मुखलस है। हमारी क्या वहाँ पर अलग से चेक, आपने देखा हमारी चेकिंग हुई है? क्या चीज चेक होती है? और अगर आपकी जगह कोई भारतीय हो फिर उसे तो क्या निकल जाएंगे आप, क्लियर है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या करते हैं हम बाजा? हमारी मुल्क में हमारी कौम के खास हमारी हुकूमतों ने किया। वहाँ पर जो लोग जाते हैं पाकिस्तान से, उनको किस किस तरह की नौकरियों पर आपने बैठे हुए देखा? झाड़ू मारते हैं, कहीं फूल बेचते हैं, मैं खुद फूल बेचता था वहाँ जर्मनी में। क्यों झूठ बोले? क्योंकि यहाँ हमारे पास पैसे नौकरियों पे ऑफिस में नहीं बैठा, नहीं वो नहीं बैठा, ये झूठ है जो भी कहता है। तो यहाँ से हम लोग वीजा लेकर जाते हैं, चले काम तो काम होता है, लेकिन एक वो फिर आ जाती है ना कि इंडियंस को वो लोग ऑफिस में बैठाते हैं और हम लोग वहाँ निचले तबके पर होते हैं, तो जैसे भंगी नहीं होते वैसे समझते हैं वो। अच्छा। मैं वहाँ फूल बेचा बितेशन ब्राह मारक स्वाय मारक, यहाँ तो कोई नहीं पूछता वहाँ क्या, जो अपने मुल्क में हम करेंगे ना
उसकी हमारी पहचान है, हमारे बेटे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हमारे वो देख रहे हैं कि ये हमारे अबू ये कर रहे हैं, वो भी ये करेंगे। अगर हमारी अपनी लड़ाई रहेगी तो कुछ नहीं बनेगा इस मुल्क का, अल्लाह ही हाफिज़ इसका। अच्छा अंकल, मेरा आज का आपसे सवाल ये है कि हम पर जहाँ दुनिया वीज़ा बैन कर रही है, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, वहाँ पर पहले श्रीलंका ने वीज़ा फ्री एंट्री दी इंडियंस को, अब थाईलैंड दे रहा है, 57 और ममालिक के अंदर उनकी वीज़ा फ्री एंट्री है, यानी वीज़ा के बगैर एंट्री है, उनका पासपोर्ट देखा जाएगा कि इंडियन पासपोर्ट है, तो ऐसा क्यों भारत के लिए ऐसा? वो हर जगह हो जाते नीचे, मतलब आप जी ठीक है जी, ये राम 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 वो करते हैं, हम तो अल्लाह का भी याद नहीं करते, सिर्फ हमारा मतलब होगा अल्लाह अल्लाह बस। वो मेहनत नहीं करते वहाँ जाके? वो बोली मेहनत करते हैं, हम हर राम है, यहाँ नहीं कर सकते, अपने बाहर जाके क्या करेंगे हम। वो लोग कहते हैं पाकिस्तानी वहाँ पर आकर लड़कियों को छेड़ते हैं, एक्सीडेंट करवाते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, भिखारी बनते हैं, ये झूठ है, ये झूठ है। सऊदीया ने बोला? सऊदीया तो हमारा मुसलमान मुल्क है, उसे ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए। सर अब उनके मुल्क में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो तो हमसे कंप्लेन करेंगे ही ना, और यही लोग भेजते हैं ड्रामे, इनको सब पता होता है कौन जा रहा है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने एक्शन लिया इस चीज़ पर तो हमें पता लगा है कि यहाँ से वहाँ जा रहे थे। वो फकीर लोग देते हैं उठा के, वो जाते हैं उसमें जहाज में बैठा के। अच्छा। जैसे वो पीछे लड़के मर गए थे बेचारे। अच्छा। वही स्कीम है। हाँ जी। तो किस तरह से हम लोग इस वक्त अगर हम देखें तो हर पूरी पूरी वर्ल्ड में इंडियंस 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 को बुलाते हैं, इंडिया हर पास इंडिया छाया हुआ है। आप देख लें, मैं सऊदी अरब उमरा करने गया था बंगाली मार्केट में, सब बंगाली हैं उधर, इंडियन है बंगाली, बस पाकिस्तानी कोई मुलाजमत नहीं वहाँ, ये हाल है। हमें ज़्यादा वो पानी अल्लाह ताला सबको दिखाए, पानी पलाने पर खाना कहवा में मक्के में, ये हमारी ड्यूटियाँ लगाते हैं वो बस। तो ये यकीन हमने भरोसा अपना खुद ही तोड़ा है, खुद तोड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ नाम का पढ़ते हैं, ये नहीं कि हम पढ़ते हैं नाम का, कोई पछूड़ी पई साढ़े ला इलाहा या बारी चाला मेरे कर्म करी, या अल्लाह मेरे कर्म करी, जो जलजला आंदा असी सारे मुसलमान इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद देखो फिर रहे हम, कोई पता नहीं अल्लाह किधर है। इसके पीछे की मेन वजह ये है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान खुद एक दूसरे के सगे नहीं है, जिसके हाथ में जितना पैसा आ रहा है वो चाह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसके पास ही रहे, जब वो बाहर की मुल्कों में जाते हैं तो उनके जो राइट्स होते हैं वो अपने सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि पाकिस्तानी वहाँ जाकर उनके राइट्स फुलफ़िल नहीं करते और वही काम वहाँ जाकर करते हैं जो यहाँ पर करते हैं, इसकी वजह से वो मोस्टली पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं करते कि वो वहाँ पर आ सके। फॉर एग्जाम्पल क्या काम करते हैं ये लोग वहाँ जाकर? यहाँ पर हमारे पास रिश्वत दी जाती है, कोई भी काम अगर हमने कोई अच्छा काम भी करवाना ना तो हमें रिश्वत के बगैर हम वो काम नहीं करवा सकते, बेशक वो जायज़ काम है, हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, अगर हमने एक मीटर भी लगवाना है तो वो 6 to 7,000 में लग जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो हमारे से 15 to 20,000 अर्न कर रही है, वो इस वजह से क्योंकि वो रिश्वत चाहते हैं। तो जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं वहाँ पर सारे का सारा काम जो होता है वो मेरिट बेस होता है, वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कौन VIP है कौन सिविलियन है, सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, तो वो वहाँ जाकर भी यही सोचते हैं कि अगर हम कोई काम ऐसा कर देंगे या कुछ गलत हो गया तो हम यहाँ पर भी रिश्वत देकर या किसी ना किसी तरह से बच जाएंगे, इस वजह से वो उनका माहौल भी जाकर ख़राब करते हैं और बहुत मुश्किल से जो वहाँ की रूटीन होती है उसमें सेटअप होते हैं और उनको क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करते हैं। अभी रिसेंटली सऊदीया ने कहा है कि आप लोगों की भिखारियाँ हमारे मुल्क में, इनको लेके जाओ वापस, वो कहते हैं लड़कियाँ छेड़ते हैं, वो कहते हैं ड्रग्स बेचते हैं, क्या करें अब हम? यहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है और आम आदमी को अपना पेट पालने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना पड़ता है। देखिए कहीं पर गरीबी है इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप दूसरे देश के अंदर जाकर चोरी चकारी करेंगे, वहाँ पर लड़कियों को छेड़ेंगे, ड्रग्स बेचेंगे, ये कहीं से भी लॉजिकल बात नहीं लगती है, जैसा कि ये लड़की इसके अंदर बोल रही थी। जैसे कि अफगानिस्तान देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ग्रसित है, लेकिन वो लोग कहीं पर जाते हैं तो चोरी चकारी नहीं करते हैं, उल्टे सीधे काम नहीं करते, लड़कियों को नहीं छेड़ते हैं, लेकिन जहाँ भी पाकिस्तानी जाते हैं ये सारे काम करने में सबसे आगे होते हैं। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हम सबसे अच्छे मुसलमान हैं, दुनिया के अंदर हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है, सऊदी वाले भी हमारे सामने कुछ मुसलमान नहीं है, सब फेल हो चुके हैं, ये सब बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जब सच बोलने की बात आती है, जब लड़कियों के सम्मान करने की बात आती है, जब मेहनत करने की बात आती है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर कहीं पर भी ये टिकते नज़र नहीं आते। पाकिस्तानियों की इन हरकतों के कारण दूसरे देश इनके ऊपर एक्शन लेते हैं तो ये कह देते हैं कि भैया ये हमारे साथ नहीं है, हमारे देश को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। अरे आप जाओगे किसी देश के अंदर और वहाँ पर लोगों को मारोगे और वहाँ पर जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तो आपका कौन सम्मान करेगा? देखिए आतंकवादी का टैग जो पहले से पाकिस्तान के ऊपर लगा था वो तो लगा ही था, उसके बाद में जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके कारनामे जो दुनिया भर के अंदर है वो बहुत मशहूर हो चुके हैं। इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो लड़ाई चल रही है इसको लेकर भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्री या मुस्लिमों को वीज़ा देना बंद कर देंगे।
हाल ही में जो है ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट की है कि जो है अमेरिका के अंदर अगर हम आते हैं तो हम मुस्लिमों को वीज़ा नहीं देंगे या उनको हम यहाँ पर आने नहीं देंगे, ना वर्किंग वीज़ा देंगे, ना उनको हम घूमने के लिए आने देंगे। तो कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर भी हेट बढ़ रही है, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल, चाहे सऊदी हो, कतर हो, या फिर जो अगल बगल की मुस्लिम कंट्रीज हो, तुर्की हो, सब ने पाकिस्तानियों से हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इनके कारनामे इतने घटिया हैं, इनको लोग देखने के बाद में अपनी जान बचाते हैं, इनसे काम कराना कोई पसंद नहीं करता, इसी वजह से सब लोग इनका पासपोर्ट उठाकर फेंक देते हैं। अगर आपके काम अच्छे होंगे तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और पाकिस्तानी जो इतना कारनामा पूरी दुनिया के अंदर कर रहे हैं, ग्रूमिंग गैंग चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इससे नाम जो है पाकिस्तानियों का ही खराब होगा, इसीलिए लात भी इन्हीं को पड़ेगी और इनके पासपोर्ट की वैल्यू भी इन्हीं को डाउन होगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।